हिंदी विद्यापीठ मनाया गया हिंदी दिवस, देश की अखंडता के लिए राष्ट्रभाषा जरूरी, डॉक्टर संजय। देवघर झारखंड देवघर के हिंदी विद्यापीठ में आज हिंदी दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं ने हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप चाहे अनेक है गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय ने जोर देते हुए कहा कि जिस देश की अपनी राष्ट्रभाषा नहीं, उस देश की अखंडता और अस्मिता को बचा पाना संभव नहीं। आगे कहा कि हिंदी की जो मूल प्रकृति है वो रूढ़ नहीं बल्कि सरलता पर आधारित है। इसे आगे बढ़ाने में निसंदेह अमीर खुसरो का नाम आता है। हिंदी बोली और साहित्य से आगे बढ़कर राजभाषा बन गई है, जो एक दिन राष्ट्रभाषा अवश्य बनेगी। इसके लिए डॉक्टर संजय ने सरकारी हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता बताई। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना सन 1929 ईस्वी में हुई है। 1929 ईस्वी में स्थापना के बाद से हिंदी विद्यापीठ जो है हिंदी की निरंतर उत्पत्ति, इसके सुधार के लिए, इसके उत्थान के लिए प्रयासरत है। हिंदी विद्यापीठ में महात्मा गांधी भी आए, उन्होंने भी अपना आशीर्वचन दिया था और अपने हमारे यहाँ पुस्तिका में लिखा है उन्होंने अपने हाथ से कि हिंदी विद्यापीठ की निरंतर प्रगति मैं चाहता हूँ। इसलिए हम लोग तो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को भी राजभाषा को बढ़ाकर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को परिणत करना चाहिए। आज जिस प्रकार कश्मीर में धारा 370 हटा दिया गया, उसी तरह हिंदी को भी हम चाहते हैं कि राजभाषा से ऊपर लाकर राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दिया जाए। कि हिंदी को राजनीतिक कारणों से ही पीछे रखा गया अभी देश में, अन्यथा हिंदी को कोई पीछे नहीं रख पाएगा और आने वाले समय में ये विश्व में प्रसिद्ध होके और भारत में भी प्रसिद्ध होने वाली है। इस हिंदी को दबाकर कोई नहीं रख पाएगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि इस हिंदी में एक अमृत तत्व है और इस अमृत तत्व के कारण इस हिंदी को कोई नहीं समाप्त कर पाएगा और एक दिन देखिएगा कि हिंदी विश्व की भाषा एक संपर्क भाषा के रूप में उभरेगी। भारत को तो छोड़ दीजिए, भारत की तो ये भाषा ही है, यहाँ तो उभरेगी। अविनाश वर्मा के साथ अजीत संतोषी की रिपोर्ट।